हाय व्यूवर्स वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स ये देखिए आज हम सीखेंगे ये बहुत ही सुंदर सा डबल कलर का निटिंग पैटर्न ये देखिए फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है तो फ्रेंड इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हैं लेडीज कार्डिगन में लेडीज जैकेट में जेंट्स हाफ स्वेटर फुल स्वेटर में बच्चों के स्वेटर में डाल सकती हैं ये देखिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचेस चाहिए होंगे वो टेन के मल्टीपल से होंगे प्लस फोर फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे टू फंदे साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और टू फंदे स्टिच के होंगे और ये जो डिज़ाइन है ये टोटल ट्वेंटी फोर रॉ का डिज़ाइन है तो चलिए फ्रेंड बनाते हैं ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने फोर्टी फोर फंदे लिए हैं फोर्टी फंदे टेन के मल्टीपल से लिए हैं प्लस फोर फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और नीचे से मैंने फोर रॉ उल्टे उल्टे उल्ट फंदों के साथ बुनकर निकाल ली है तो चलिए देखती हैं ये इसकी फर्स्ट रॉ है और राइट साइड है ये देखिए स्टार्टिंग के फोर फंदे सीधे बना लेंगे देखिए वन टू थ्री फोर देखिए फोर फंदे सीधे बनाएंगे फिर यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर धागा आगे करके जल डालेंगे दो फंदे सीधे बना लेंगे वन टू फिर धागा आगे करके जल डालेंगे एक फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे फिर फोर फंदे सीधे वन टू थ्री फोर ये देखिए स्टार्टिंग के फोर फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है फिर से रिपीट करेंगे ये देखिए इसमें हमने पहले दो फंदों का एक फंदा बनाया फिर जारी डाली फिर सेंटर में दो फंदे सीधे बनाए फिर जारी डाली फिर दो फंदों का एक फंदा बनाया फोर फंदे सीधे बनाइए देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे टेन फंदे कंप्लीट हो गए हैं देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिर से यही टेन फंदों का पैटर्न रिपीट करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जारी डालेंगे सेंटर में दो फंदे सीधे बना लेंगे वन टू जारी डालेंगे एक फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे फिर फोर फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जारी डालेंगे दो फंदे सीधे वन टू जारी डालेंगे एक फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फोर फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फिर से देखिए आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जारी डालेंगे सेंटर में दो फंदे सीधे फिर से जारी डालेंगे एक फंदा उतारेंगे टर्न कर लेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे लास्ट के फोर फंदे सीधे बना लेंगे वन टू थ्री फोर ये देखिए फर्स्ट रॉ राइट साइड कंप्लीट हो गई है सेकंड रॉ है रॉन्ग साइड इस सारी रॉ को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए रॉ थर्ड है राइट साइड फिर से स्टार्टिंग के तीन फंदे सीधे बनाएंगे टू थ्री फिर देखिए यहाँ से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे आगे की साइड से धागा आगे करके जारी डालेंगे ये देखिए सेंटर में पहले हमने टू फंदे सीधे बनाए थे अब एक एक चारी डाली थी हमने फर्स्ट रॉ में तो यहाँ पर सेंटर में फोर फंदे सीधे आएंगे चार डालेंगे और फोर फंदे सीधे बना लेंगे वन टू थ्री फोर फिर चार डालेंगे एक फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे दो फंदे सीधे वन टू ये देखिए स्टार्टिंग के तीन फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है फिर से आगे यही पैटर्न रिपीट करेंगे ये देखिए यहाँ पर हमारे ये सेंटर के फंदे इंक्रीज होते जाएंगे और ये वाले जो हमारे साइड के फंदे थे ये डिक्रीज़ होते जाएंगे पहले फर्स्ट रो में यहाँ पर फोर फंदे थे अब यहाँ पर टू फंदे रह गए हैं और फर्स्ट रो में हमारे पास यहाँ पर टू फंदे थे अब फोर फंदे हो गए हैं फिर से देखिए आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जारी डालेंगे सेंटर के फोर फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फंदे सीधे जारी डालेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे दो फंदे सीधे देखिए फिर से आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जारी डालेंगे फोर फंदे सीधे वन टू थ्री फोर जारी डालेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे टू फंदे सीधे वन टू आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जारी डालेंगे और फोर फंदे सीधे थ्री फोर जारी डालेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे लास्ट के तीन फंदे सीधे बना लेंगे ये देखिए थर्ड रो कंप्लीट हो गई है फोर्थ रो है रॉन्ग साइड फिर से इस सारी रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे रो फाइव है राइट साइड ये देखिए स्टार्टिंग के दो फंदे सीधे बना लेंगे फिर से ये आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाली डालेंगे अब देखिए सेंटर में ये पहले हमारे पास सेकंड रो में फ़ोर फंदे थे अब सिक्स फंदे हो गए हैं इन सिक्स फंदों को सीधा बनाएंगे दोनों साइड एक एक जाली डालते हुए ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जारी डालेंगे एक फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे देखिए स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है फिर से रिपीट करेंगे धागा पीछे ही रखेंगे और आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जारी डालेंगे सिक्स फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जारी डालेंगे टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से देखिए आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जारी डालेंगे सिक्स फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जारी डालेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जारी डालेंगे सिक्स फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जारी डालेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। लास्ट के दो फंदे सीधे बना लेंगे ये देखिए रो फाइव कंप्लीट हो गई है रो सिक्स है रॉन्ग साइड इस सारी रो को भी उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए हमारी सिक्स रो कंप्लीट हो गई है, अब हमारी सेवन्थ रो है यहाँ से हम अपना सेकंड कलर यूज़ करेंगे तो देखिए ये हमारा एस्ट्रिच है यहाँ से हमारा सेकंड कलर हम यूज़ करेंगे ये देखिए अब ये वाले जो साइड में फंदे हैं दो तो इनको ऐसे स्लिप करेंगे इनको हमने बुनना नहीं है दो फंदों को बिना बुने ही उतार लेंगे और सेंटर के एट फंदे सीधे बना लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये देखिए और दो फंदे देखिए. यहाँ पर हमारे दोनों साइड में हम डिक्रीजिंग कर रहे थे फंदों की यहाँ पर ये सेंटर में दो फंदे हैं इनको स्लिप करेंगे स्टार्टिंग के ये तीन फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है फिर से रिपीट करेंगे फिर से देखिए एट फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट धागा पीछे ही रखेंगे और दो फंदे स्लिप करेंगे फिर से एट फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दो फंदे स्लिप करेंगे एट फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दो फंदे स्लिप करेंगे लास्ट का एक फंदा सीधा बना लेंगे ये देखिए रो सेवन कंप्लीट हो गई है रो एट है रॉन्ग साइड अब देखिए इस रो में कैसे करेंगे ये एक फंदा साइड का हम सीधा बनाएंगे धागा आगे करेंगे और दो फंदे जो स्लिप किए थे उनको स्लिप करेंगे फिर धागा पीछे करेंगे और एट फंदे जो हमने सीधे बनाए थे बुन कर लिए थे उनको इस रो में भी रॉन्ग साइड में भी सीधा ही बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट धागा आगे ये देखिए स्टार्टिंग का ऐसे छोड़ कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है फिर से रिपीट करेंगे फिर से देखिए दो फंदे स्लिप करेंगे धागा पीछे लेकर जाएंगे एट फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट धागा आगे दो फंदे स्लिप करेंगे एट फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट धागा आगे दो फंदे स्लिप कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट धागा आगे दो फंदे फिर से स्लिप करेंगे धागा पीछे एक फंदा लास्ट का सीधा बना लेंगे ये देखिए हमारी एट रो कंप्लीट हो गई है नाइन्थ रो है राइट साइड फिर से इस रो में एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे दो फंदे स्लिप किए थे फिर से इनको स्लिप करेंगे धागा आगे लेकर आएंगे एट फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट धागा पीछे स्टार्टिंग का ऐसे छोड़ कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है फिर से रिपीट करेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे धागा आगे लेकर आएंगे एट फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट धागा पीछे दो फंदे स्लिप करेंगे धागा आगे एट फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट थागा पीछे दो फंदे स्लिप करेंगे धागा आगे एट फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट थागा पीछे दो फंदे स्लिप करेंगे धागा आगे लास्ट का फंदा उल्टा रो नाइन कंप्लीट हो गई है अब देखिए रो टेन है रॉन्ग साइड इस रो में ये एक फंदा उल्टा बना लेंगे फिर दो फंदे स्लिप किए थे इनको स्लिप करेंगे और एट फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है फिर से रिपीट करेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे एट फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दो फंदे स्लिप करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दो फंदे स्लिप करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दो फंदे स्लिप करेंगे एक फंदा लास्ट का उल्टा बना लेंगे ये देखिए रॉ टेन कंप्लीट हो गई है ये देखिए रॉ इलेवन है राइट साइड अब फिर से हमारा जो फर्स्ट कलर है इसका वो यूज़ करेंगे तो देखिए एक फंदा स्टार्टिंग का ये ऐसे सीधा बुन कर लेंगे फिर यहाँ से लेकर एंड तक ये सारे फंदे इस रो में सीधे बनाएंगे जो फंदे स्लिप किए थे उनको भी सीधा ही बना लेंगे देखिए ये सारी रो ऐसे सीधे सीधे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे ट्वेल्व रॉ है रॉन्ग साइड ये देखिए इस सारी रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे ये देखिए हमारी ट्वेल्थ रॉ कंप्लीट हो गई है और हमारा हाफ पैटर्न कंप्लीट हो गया है यही ट्वेल्व ब्रॉ हमने फिर से ऊपर पीट करनी है लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज आएगी ये हमारा जो डिज़ाइन है वो शिफ्ट होगा तो देखिए कैसे करेंगे स्टार्टिंग के तीन फंदे सीधे बना लेंगे वन टू थ्री फिर देखिए यहाँ से हम ये फंदों की डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे एक फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ये देखिए अब यहाँ पर फोर फंदे सीधे बनाएंगे यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा वन टू थ्री फोर फिर से आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बना देंगे जारी डालेंगे अब ये जो हमने फंदे स्लिप करके लिए थे इनको सेंटर में सीधा बनाएंगे जारी डालेंगे ये दो फंदे सीधे बना लेंगे धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे एक फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ये देखिए स्टार्टिंग के फाइव फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है फिर से रिपीट करेंगे इसमें हमने देखिए फोर फंदे सीधे बनाए फिर दो फंदों का एक फंदा बनाया जारी डाली दो फंदे सीधे जारी डाली दो फंदों का एक फंदा बनाया फिर से देखिए फोर फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फिर आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जारी डालेंगे सेंटर के दो फंदे सीधे वन टू जारी डालेंगे एक फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से वन टू थ्री फोर फंदे सीधे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जारी डालेंगे सेंटर के दो फंदे सीधे जारी डालेंगे टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से देखिए फोर फंदे सीधे वन टू थ्री फोर ये देखिए यहाँ पर हमारा हाफ पैटर्न बनेगा हाफ पैटर्न हमने इस साइड में बनाया है और हाफ पैटर्न हमने इस साइड में बनाया है धागा पीछे रखेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे जारी डालेंगे और लास्ट के तीन फंदे सीधे वन टू थ्री ये देखिए हमारी थर्टीन राव कंप्लीट हो गई है रॉन्ग साइड सारी उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे प्रॉ फिफ्टीन राइट साइड ये देखिए स्टार्टिंग के फोर फंदे सीधे बना लेंगे टू थ्री फोर जारी डालेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ये देखिए यहाँ पर ये फंदे हमारे इंक्रीज होंगे और यहाँ पर सेंटर के फंदे जो हैं वो डिक्रीज़ होंगे तो दो फंदे सीधे ये देखिए यहाँ पर हमारा ये हाफ पैटर्न बनेगा फिर से देखिए आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जारी डालेंगे सेंटर में वन टू थ्री फोर फंदे सीधे जारी डालेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ये देखिए स्टार्टिंग के सिक्स फंदे छोड़कर यहां से यहां तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है फिर से रिपीट करेंगे दो फंदे सीधे वन टू आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाइ डालेंगे फोर फंदे सीधे वन टू थ्री फोर जारी डालेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से वन टू फंदे सीधे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जारी डालेंगे फोर फंदे सीधे वन टू थ्री फोर जारी डालेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे वन टू फंदे सीधे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जारी डालेंगे लास्ट के फोर फंदे सीधे वन टू थ्री फोर ये देखिए रॉ फिफ्टीन कंप्लीट हो गई है रॉन्ग साइड सारी उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे रॉ सेवनटीन राइट साइड ये देखिए स्टार्टिंग के फाइव फंदे सीधे टू थ्री फोर फाइव जारी डालेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ये देखिए हमारा हाफ पैटर्न कंप्लीट हो गया है अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जारी डालेंगे सेंटर के सिक्स फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जारी डालेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे देखिए स्टार्टिंग के यहाँ तक फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है फिर से रिपीट करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जारी डालेंगे सिक्स फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फिर से जारी डालेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर से देखिए आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जारी डालेंगे सेंटर के सिक्स फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जारी डालेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से हमारा हाफ पैटर्न आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जारी डालेंगे लास्ट के फाइव फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव रो सेवेंटीन कंप्लीट हो गई है रॉन्ग साइड सारी उल्टी उल्ट फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे ये देखिए रो एटीन कंप्लीट हो गई है रो नाइनटीन है राइट right साइड अब यहाँ से हमारा फिर से सेकंड कलर यूज़ करेंगे तो देखिए स्टार्टिंग के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फंदे सीधे बना लेंगे अब देखिए ये फंदे यहाँ पर हम डिक्रीज़ कर रहे थे ये दोनों फंदे स्लिप करेंगे वन टू फिर यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा अब एट फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट स्टार्टिंग के सिक्स फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है फिर से रिपीट करेंगे फिर से देखिए दो फंदे स्लिप करेंगे एट फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दो फंदे स्लिप कर लेंगे एट फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दो फंदे स्लिप करेंगे लास्ट के सिक्स फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये देखिए रो ट्वेंटी रॉन्ग साइड अब इस रो में देखिए ये स्टार्टिंग के सिक्स फंदे सीधे बनाएंगे इस रो में भी ये सिक्स फंदे सीधे बनेंगे टू थ्री फोर फाइव सिक्स धागा आगे करेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे धागा पीछे एट फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट धागा आगे दो फंदे स्लिप करेंगे एट फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट धागा आगे दो फंदे स्लिप कर लेंगे एट फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट धागा आगे इससे दो फंदे स्लिप करेंगे और लास्ट के सिक्स फंदे सीधे टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये देखिए रो ट्वेंटी फर्स्ट राइट साइड स्टार्टिंग के सिक्स फंदे उल्टे टू थ्री फोर फाइव सिक्स धागा पीछे यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा दो फंदे स्लिप करेंगे एट फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट धागा पीछे स्टार्टिंग के सिक्स फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है फिर से रिपीट करेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे धागा आगे एट फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट धागा पीछे दो फंदे स्लिप करेंगे एट फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट धागा पीछे दो फंदे स्लिप करेंगे लास्ट के सिक्स फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रॉ ट्वेंटी सेकेंड रॉन्ग साइड फिर से स्टार्टिंग के सिक्स फंदे उल्टे थ्री फोर फाइव सिक्स दो फंदे स्लिप करेंगे एट फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दो फंदे स्लिप करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दो फंदे स्लिप करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट फंदे उल्टे दो फंदे स्लिप करेंगे लास्ट के सिक्स फंदे उल्टे one, two, three, four, five, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब देखिए रो ट्वेंटी थर्ड राइट साइड फिर से हमारा फर्स्ट कलर यूज़ करेंगे ये देखिए और इस सारी रो को सीधे सीधे फंदों के साथ बनाएंगे जो भी फंदे हमने स्लिप किए थे उनको भी सीधा ही बनाएंगे ये देखिए ऐसे ही ये सारी रो कंप्लीट कर लेंगे रो ट्वेंटी फोर रॉन्ग साइड इस सारी रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए रॉ ट्वेंटी फोर कम्प्लीट हो गई है और हमारा डिज़ाइन भी कम्प्लीट हो गया है फिर से हम इसे फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही बार बार इसकी वन टू ट्वेंटी फोर और रिपीट करते जाएंगे और ये डिज़ाइन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा ये देखिए तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत फूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग माय वीडियो